प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। सावन महीना शुरू होते ही सड़कों पर कांवड़ियों की भारी भीड़ दिखाई देती है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। कांवड़ में गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं। आगरा की सड़कों पर इस समय पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कांवड़ यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलती हुई दिखाई दे रही हैं, बल्कि पुरुषों को महिलाएं पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही हैं। मुरैना के रहने वाली रेवती अपने पति राम प्रताप के साथ कांवड़ लेकर जा रही है। सोरों से गंगा जल लेकर वह मध्य प्रदेश के मुरैना के पास स्थित केलारस पहुंचेंगे और वहीं पर भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। रेवती का कहना है कि यह उनकी पांचवीं कांवड़ यात्रा है। उन्होंने भोलेनाथ से मुराद मांगी थी और मुराद पूरी हो जाने के बाद से हर साल अपने पति के साथ कांवड़ यात्रा में भाग लेने आती हैं। चार हो गई। मन में कोई परेशानी होती? कोई परेशानी नहीं है। मन में कैसा है कावड़ लानी है? मन में कैसा है कावड़ लानी है? कैसे मन में आया आपकी कावड़ लानी है? लानी है वैसे ही, मुरली से आ रहे हैं बाबा? ग्वालियर से बड़ी दार थे। अच्छा, अब कहाँ ले जा रहे हैं? ग्वालियर। ग्वालियर ले जा रहे हैं? हाँ। सोरों से आए हैं? सोरों से। कितने दिन हो गए चलते हुए? तीन दिन हो गए। चार से। अच्छा, कहाँ जाएंगे? घोड़ेश्वर। अच्छा, क्या मन्नत मांग रहे हैं भोलेनाथ से? जो कुछ खाए पीए को मिल जाए। अच्छा, योगी जी ने क्या व्यवस्थाएं की है कांवड़ियों के लिए? व्यवस्थाएं हुई है? सब व्यवस्था बनी है, सब पुलिस लगा दी, जगह जगह लगा दी है, व्यवस्था बना रही है। अच्छा, बता रहे हैं योगी जी कह रहे हैं फूल वर्षा करवा रहे हैं। हाँ। तो कैसा लग रहा है फूल वर्षा करवा रहे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सोरों से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हैं लेकर? कोटेश्वर। ग्वालियर। ग्वालियर लेके जा रहे हैं? हाँ, कोटेश्वर। अच्छा, कितने दिन हो गए चलते चलते? मतलब तीन दिन हो गए। क्या परेशानियां होती है? कुछ परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं होती। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कहाँ से इतनी हिम्मत आती है आपके अंदर? दिल में से। भोलेनाथ की हिम्मत है। चलिए ठीक है। बलवीर कुशवाहा। बलवीर जी, कहाँ से कांवड़ लेके आ रहे हैं? सोरों से लेके आए हैं। सोरों से लेके आ रहे हैं? हाँ जी। कितने दिन हो गए चलते हुए? तीन दिन हो गए। हाँ। पहली बार है दूसरी बार है। हाँ। तो इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? हिम्मत सर कहाँ से मिलती है? सब परमात्मा की कृपा है। अच्छा, उनका वो ध्यान लगा। प्रशासन की अगर व्यवस्था की बात किया तो रास्ते में किस तरह की व्यवस्था की गई है? बहुत हर जगह व्यवस्था मिल रही है। अभी देखो, आगरे से स्टार्ट हुए हैं, चार पाँच जगह तो यही, यहाँ से ये कौन सी है, टेढ़ी बगिया है ना, वहाँ से। योगी जी कह रहे हैं कि साहब पुष्प वर्षा करवा रहे हैं हम, क्या नाम है, कांवड़ियों को, तो कैसा कदम है ये? अच्छा है सर। अच्छा कर रहे हैं योगी जी। अच्छा है। कहाँ लेके जा रहे हैं कांवड़? ये मुरैना में जा रही है। मुरैना से अपना 40 किलोमीटर आ गया, केलारस शहर पड़ता है हमारा। कुल कितने किलोमीटर चल लेते होंगे आप? अभी इतना तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन अपन चलते ही रहते हैं पूरे ऐसे। अभी चल रहे हैं, सुबह से चल रहे हैं 3 बजे से। तो आराम नहीं करते आप? आराम करते हैं, कहीं ऐसे रुक गए घंटा दो घंटे आराम किया दिन बैठे में ही रहते, खड़े ही रहते हैं। खड़े ही रहते हैं सर, बैठना नहीं होता है। बैठना ये कांवर में बैठना नहीं होता है सर। अच्छा, ये ऐसा क्या है कि बताते हैं कि कांवर किसी से छुपी? अब ये तो पता नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्ग बताते हैं, उन्हीं के उन पर अपन चल रहे हैं सर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।